अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जेएनयू के छात्र संघ पदाधिकारियों पर स्वामी विवेकानंद का अपमान करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। अभाविप कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि जन जन की आस्था के प्रतीक स्वामी विवेकानंद का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वामपंथी विचारधारा हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का कार्य कर रही है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनके मंसूबों को सफल नहीं होने देगा। छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ जोशी, जिला प्रभारी शाश्वत खंडूरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने विवेकानंद को युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया। देखिए, कुछ दिनों पूर्व जेएनयू दिल्ली में जिस प्रकार से वामपंथी छात्र नेता और वामपंथी छात्र संगठनों द्वारा इस देश के राष्ट्रपुरुष और लाखों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का अपमान किया गया, उनकी मूर्ति को तोड़ा गया, उस मूर्ति को खंडित किया गया, और जो हमारे देश की संस्कृति है, देश की सभ्यता है, जिसकी पहचान हमारा भगवा है, उसके अपमान में कुछ शब्द लिखे गए जिसकी आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद घोर निंदा करता है। उसी विषय में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बागेश्वर डिग्री कॉलेज की इकाई ने इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया, जिस कार्यक्रम में हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारी से लेकर आम छात्र छात्राओं ने भी प्रतिभाग किया और सबने एक स्वर में इस बात को कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के अपमान को यह देश, इस देश की युवा पीढ़ी बर्दाश्त नहीं करेगी। और सरकार से भी हम यही निवेदन करते हैं कि ऐसे वामपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगे, क्योंकि यही वो संगठन है जिसके बाद जिन संगठनों से हाफिज सईद और कन्हैया कुमार जैसे राष्ट्र विरोधी लोगों का जन्म होता है। यही वो लोग होते हैं जो इस देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, इस देश की विभाजन करने की बात करते हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सदैव एक अखंड भारत की परिकल्पना करी है और इस घटना का हम सब कठोरतापूर्वक निंदा करते हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि जेएनयू विश्वविद्यालय में जो भी वामपंथियों द्वारा स्वामी विवेकानंद जी, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है सभी युवाओं के और हमारे देश का गौरव है, उनका अपमान हुआ है, उनकी प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ किया गया है और भगवा का अपमान मतलब देश का अपमान, तो इसी के विरोध में, भगवा के अपमान के विरोध में इकाई बागेश्वर एबीपी द्वारा एक कार्यक्रम यहाँ पर उसके विरोध में आयोजित किया गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बागेश्वर इकाई द्वारा जो हाल ही में जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति जो खंडित की गई थी और साथ में भगवा का जो अपमान किया गया था, भगवा के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, उसके लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता एवं सभी छात्र छात्राएं आज यहां उपस्थित होकर उसके प्रति एक विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम किया, जिसमें हमने स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। और साथ ही सभी युवाओं का यही कहना था और सभी छात्र छात्राओं का यही कहना है कि जिस प्रकार से वामपंथी विचारधारा के लोगों द्वारा, वामपंथी छात्र संगठनों द्वारा स्वामी विवेकानंद जी का अपमान किया गया, देश के एक महापुरुष का अपमान किया गया, उसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सरकार से भी अपील है कि इस प्रकार के संगठनों पर रोक लगाई जाए, इस प्रकार के संगठनों को पनपने न दिया जाए, ताकि भविष्य में आतंकवादी जैसे आतंकवादी संगठनों की परिकल्पना ही ना हो, इस प्रकार के जो कृत्य करते हैं उन पर घोर कार्रवाई की जाए। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।